चलिए कल से हम फिर आगे देखते हैं, जहां तक कल पढ़े थे उसे। कल हम पढ़े थे विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम बताए थे आपको। विस्थापन अभिक्रिया दो तरीके से होता है, एक एकल विस्थापन अभिक्रिया, एक उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया को एग्जाम में प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया करके पूछा जाता है, ठीक है। चलिए हम आपको देखे थे जो एकल विस्थापन अभिक्रिया में देखे थे, जो जो आयन होता था, मूलक को ही आयन कहते हैं। मूलक को क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। मूलक जो होता है, जो मूलक को का प्रतिस्थापन होता था, अगर एक एलिमेंट के साथ मूलक लगा होता था और उसका प्रतिस्थापन होता था, तो हम ये देखते थे जो एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते थे। जब दोनों एलिमेंट के साथ मूलक लगा होता था तो दोनों कंपाउंड हो जाता था, ठीक। दोनों कंपाउंड अगर आपस में अपने अपने आयन का प्रतिस्थापन करता था, यानी जिसकी रिएक्टिविटी अधिक होती थी, जिसकी रिएक्टिविटी क्या होती थी, अधिक होती थी, वह क्या होता था, उसको प्रतिस्थापित कर देता था। इससे आगे चलिए आज देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ये एग्जाम में दो तीन बार पूछा गया है, अवक्षेपण अभिक्रिया को एग्जाम में दो तीन बार पूछ लिया गया है। देखिए एग्जाम में इसको इसलिए नहीं पूछा गया है, जो इसमें कोई डिफिनेशन से अलग है, इसमें इसीलिए पूछा गया, जो ये चीज जो कहता है ना, बनने वाला पदार्थ ठोस होता है, बनने वाला पदार्थ ठोस होता है, इसलिए ठोस जो होता है तो आपको कोई भी रिएक्शन इसका एग्जांपल नहीं हो सकता। अब आप देखते हुएगा, कोई स्टूडेंट क्या करता है, देख सब क्वेश्चन बना के आता है लेकिन सब मार्क उसको नहीं आ पाता। मार्क्स आने के लिए उसको एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है, और एग्जाम्पल अगर आप दीजिएगा तो एग्जाम्पल इसका में ये सॉलिड होनी चाहिए, ये अवक्षेपण नहीं होनी चाहिए। देखिए अवक्षेपण इसका भी होता है, अवक्षेपण ये रिएक्शन का भी होता है, लेकिन ये रिएक्शन इसका एग्जाम्पल नहीं है। ये जो नीचे वाला रिएक्शन हम लिखे हैं, इसमें भी अवक्षेपण होता है और इसमें भी अवक्षेपण होता है, लेकिन ये एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल नहीं है। क्यों? ये सॉलिड नहीं है, ये ठोस नहीं। अगर ये ठोस होता तो ये इसका एग्जाम्पल होता, ठीक। चलिए देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या कहता है। कहता है वैसा अभिक्रिया जिसमें, वैसा अभिक्रिया जिसमें, देखिए जिस इसको क्या कहते थे हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, इसको कहते थे अभिकर्मक, इसको कहते थे प्रतिफल, इसको कहते थे अभिकर्मक, इसको कहते थे प्रतिफल। अब देखिए प्रतिफल जो होता था, हम लिखे हैं वैसा अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के रूप में कोई सॉलिड पदार्थ यानी ठोस पदार्थ पृथक होता है। क्या पदार्थ? ठोस पदार्थ पृथक होता है, अवक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवक्षेपण कहलाता है। अब देखिए इसी में देखते हैं एग्जांपल। कहता है जब NaCl, आपको इससे पहले ही बताए ये नाम पूछा जाता है, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, लेकिन सोडियम क्लोराइड नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है NaCl का साधारण नाम क्या है, इसको कहते हैं साधारण नमक। क्या कहते हैं? साधारण नमक, ठीक है। जब सोडियम क्लोराइड की प्रतिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराई जाती है तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेपण होता है। सिल्वर क्लोराइड का क्या होता है? अवक्षेपण होता है। ये रिएक्शन देखिए आप याद कीजिएगा, पीछे जब पढ़ाए होंगे तो दो तीर दिए होंगे, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। ये गैस बल के उत्सर्जन होता था, इसका नीचे तरफ देते थे तो अवक्षेपण होता था, ठीक। अब NaCl सिल्वर क्लोराइड ये सॉलिड है, ठीक है, इसीलिए ये इसका एग्जाम्पल होगा। अवक्षेपण अभिक्रिया में कहता है वैसी अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के रूप में कोई क्या बनता है, ठोस पदार्थ बनता है, उसको कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अब अवक्षेपण अभिक्रिया में जब सोडियम क्लोराइड की प्रतिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराई जाती है तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण होता है, सोडियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। ये देखिए अगर ये भी सॉलिड होता, ये क्या होता, सॉलिड होता, तो ये भी इसका एग्जांपल होता, लेकिन सल्फेट के साथ लगे चीज सॉलिड नहीं हो सकता है। बेरियम क्लोराइड की प्रतिक्रिया जब सोडियम सल्फेट के साथ कराई जाती है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। देखिए हम आपको ये एग्जांपल इसीलिए दिए थे क्योंकि ये दिखा रहे थे, देखिए अवक्षेपण तो इसमें भी होता है लेकिन अवक्षेपण किस रूप में नहीं होता है, ठोस रूप में नहीं हो रहा है, इसीलिए ये इसका एग्जांपल नहीं हो सकता है, ये एग्जांपल होता है। याद कीजिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जब पूछा जाएगा तो आपको ये एग्जांपल देना है, ये डिफिनेशन लिखना है। चलिए देखते हैं अब आगे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कहता है उदासीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए ये चीज बेसिकली आप या तो नाइन्थ में पढ़े होंगे, ये उदासीकरण अभिक्रिया को नाइन्थ में पढ़े होंगे या टेंथ में भी, इसके बाद वाला चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है।
तो अभी फिलहाल देख लेते हैं इसमें क्या करता है। उदासीन अभिक्रिया में करता है वैसा अभिक्रिया जिसमें अम्ल, ठीक है, अम्ल क्षार या भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, अम्ल क्षार या भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। इसमें तीन चीज आता है जो आपको नाइन्थ में पढ़े होंगे या नेक्स्ट चैप्टर में पढ़िएगा, एक अम्ल, दूसरा भस्म या क्षार, तीसरा लवण। लवण का मतलब होता है नमक, ठीक है, नमक जैसा जिसका स्वाद होता है लवण हुआ, ठीक है। उदासीनीकरण मतलब हुआ जिसका कोई स्वाद नहीं होता है। पानी का आज तक स्वाद लगा है, पानी में कोई पानी अगर पीजिएगा तो आपको कोई ये स्वाद का पता चलेगा मीठा है खारा है क्या है, ठीक है। साधारण अगर पानी पीजिएगा तो इसमें ये स्वाद पता नहीं चलता है। चलिए, उदासीनीकरण में वैसा अभिक्रिया जिसमें अम्ल या भस्म, भस्म या क्षार अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल बनता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। देखिए, अम्ल का मतलब और क्षार, क्षार हाइड्रोक्साइड होता है। क्षार क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। क्षार में OH लगा होता है, OH आयन लगा होता है, जबकि अम्ल में H+ आयन लगा होता है, ठीक है। क्षार में OH आयन लगा होता है जबकि अम्ल में H+ आयन लगा होता है। दोनों में यही अंतर है, अम्ल में क्या होता है और क्षार कैसे पहचानेंगे, तो अम्ल में H+ आयन होगा और क्षार या भस्म में OH- आयन होगा, ठीक है। कहता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, देखिए H है लगा हुआ H आयन, तो क्या होगा, ये अम्ल होगा। यदि अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रतिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है, इसके साथ कराई जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसमें क्या लगा हुआ है OH, इसका मतलब ये क्या हुआ, क्षार। ये क्या हुआ, क्षार। कहता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है और जल भी बनता है। आपको बताए थे लवण और जल बनता है, लवण के साथ क्या बनता है, जल भी बनता है। इसके बाद देखिए, कहता है H2SO4, इसमें भी क्या आयन है, H, इसका मतलब ये क्या हुआ, अम्ल। क्या नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें देखिए क्या हुआ है, OH यानी क्या है, क्षार, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। जब अम्ल की प्रतिक्रिया यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो पोटासियम सल्फेट का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, पोटासियम सल्फेट का निर्माण होता है। पोटासियम सल्फेट भी लवण है, ठीक है। तो आप उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या देखे, कहता है यदि कोई अम्ल की प्रतिक्रिया, यदि कोई अम्ल की प्रतिक्रिया किसके साथ कराई जाती है, क्षार या भस्म के साथ कराई जाती है तो लवण के साथ जल बनता है, लवण और जल बनता है। अब हम आपको ये दिखाए जो अम्ल और क्षार पहचानेंगे कैसे, किसको अम्ल कहेंगे किसको क्षार कहेंगे। ये तो देखिए बेसिकली बहुत डीपली तरीके से अम्ल और क्षार को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर अम्ल क्षार लवण ही है, ठीक। या आप इसको नाइन्थ में भी पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है अम्ल किसको कहते हैं क्षार किसको कहते हैं। तो आप बेसिकली यहां जान लीजिए जो अम्ल को डायरेक्ट फॉर्मूला में कैसे पहचान लेंगे, जो कोई अगर फॉर्मूला लिखा हुआ है और पहचानना है अम्ल क्या है इसमें क्षार क्या है, तो अम्ल में बेसिकली H+ आयन होता है, अम्ल में क्या होता है H+ आयन होता है, जबकि क्षार में OH- आयन होता है। अम्ल में H+ आयन होता है जबकि क्षार में OH- आयन होता है। जब अम्ल की प्रतिक्रिया किसी क्षार या भस्म के साथ कराई जाती है तो लवण का निर्माण होता है। इसमें हम आपको एक दो रिएक्शन दिखा दिए, देखिए ये रिएक्शन अगर एक ही दो या वैसा ही रिएक्शन हम लिखते हैं जो आपके बुक में है, तो हम बुक का है रिएक्शन इसीलिए लिखते हैं क्योंकि आप इसी बुक को पढ़ते हैं, ठीक। आपको हम बोलते हैं बार बार जो बुक को पढ़ा कीजिए, अगर बुक को पढ़िएगा वही रिएक्शन आपको मिलेगा, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक। इसीलिए हम बुक का ही रिएक्शन को लिखते भी हैं। आपको हम बताए जब सोडियम क्लोराइड यानी इसमें H+ आयन है, यहाँ लिखे हैं H+ आयन, H+ आयन वाला क्या होता है, अम्ल होता है। H+ आयन वाला यदि अम्ल होता है तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये अम्ल हुआ। NaOH OH आयन वाला भस्म या क्षार होता है, NaOH ये क्षार हुआ, ठीक। ये लवण हुआ, NaCl नमक है लवण हुआ। कहता है जब सोडियम क्लोराइड की प्रतिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रतिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ये था उदासीकरण अभिक्रिया। चलिए अब देखते हैं इससे आगे।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कहता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में कहता है, कहता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश का अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब बिना प्रकाश की उपस्थिति में, यानी बिना जब लाइट नहीं रहेगा, बिना लाइट की उपस्थिति में यानी प्रकाश की उपस्थिति में यह रासायनिक अभिक्रिया समाप्त नहीं हो सकता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को घटित होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता जरूरी है। तो प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूर्य से। याद कीजिए बायोलॉजी में हम लोग एक चीज पढ़े थे, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस पढ़े थे। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है, यानी इस रिएक्शन का सबसे, इस ये जो डिफिनेशन है इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा प्रकाश संश्लेषण का एग्जांपल। प्रकाश संश्लेषण में एक रिएक्शन होता है, ठीक है, उस रिएक्शन का एग्जांपल इसका सबसे ज्यादा एग्जांपल है। चलिए देखते हैं, तथा वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसका अवशोषण होता है? प्रकाश का अवशोषण होता है, क्या कहलाता है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो कहलाता है, इसमें आपको हम ये बताएं, जो इसमें रिएक्शन होने के लिए किसकी उपस्थिति होनी चाहिए? प्रकाश की। प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूर्य से। प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूर्य से। अब देखिए फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण जब होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बेसिकली पौधे में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बेसिकली पौधे में होती है, जिसमें पौधे में पत्ता जो होता है पौधा का, वह भोजन बनाने का काम करता है। पौधे में उसका पत्ता भोजन बनाने का काम करता है। देखिए अब फोटोसिंथेसिस से बायोलॉजी में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है, इसमें पत्ता जो भोजन बनाता है, तो पत्ता को भोजन बनाने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है? पत्ता भोजन बनाने के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से, ठीक है, मिट्टी में आखिर होगा क्या? या तो जल, जग जहां है मिट्टी में जल तथा खनिज लवण, मिट्टी में जल तथा खनिज लवण। अब देखिए मिट्टी में जल तथा खनिज लवण, इससे भी एक क्वेश्चन होता है। देखिए जल तथा खनिज लवण मिट्टी में नीचे से ऊपर की तरफ जाता होगा, क्योंकि पत्ता तो जड़ में होता नहीं है, पत्ता होता है ऊपर में, ठीक। अब नीचे से जल और खनिज लवण ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। पत्ता भी क्या करता है? पत्ता जो भोजन बनाता होगा वह भी खाद्य पदार्थ को नीचे की तरफ यानी जड़ तक पहुंचाता होगा। अब देखिए जल को ऊपर ले जाने का कार्य, यानी पौधे के अन्य भागों में जल को ले जाने का कार्य जाइलम करता है। पौधे के अन्य भागों में जल को ले जाने का कार्य जाइलम करता है। देखिए जल को यानी पानी को ऊपर ले जाता है कौन? जाइलम। जल ले जाएगा कौन? जाइलम, ठीक। और खाद्य पदार्थ को पौधे में ऊपर से नीचे ले आने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। चलिए इसमें आगे जब देखते हैं तब क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण हुआ, प्रकाश संश्लेषण में ये कार्य जो हुआ, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया इसमें सूर्य की उपस्थिति हुई, सूर्य से हम लोग प्रकाश लिए, ठीक है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिए। इसके बाद वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद हम लोग जो मिट्टी से खनिज लवण लिए, इसमें जाइलम और फ्लोएम हुआ। ये चीज आप बायोलॉजी में पढ़िएगा, ठीक है। इसका रिएक्शन जो होता है, इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है और ग्लूकोज से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पहले इस रिएक्शन को देखते हैं। कहता है जब हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया, किसके साथ कराई जाती है? क्लोरीन के साथ कराई जाती है। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अंधेरे में ये रिएक्शन नहीं होता है। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति नहीं रहेगी तो रिएक्शन कंप्लीट ये नहीं होगा। जब हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। देखिए इस रिएक्शन में आप सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में लिखना जरूरी है। इस पे ऊपर में आप देखते हैं कहीं कहीं लिखा रहता है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, इस पे भी यही बात लिखना होगा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। कहता है जब सिल्वर क्लोराइड जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है तो सिल्वर और क्लोरीन के रूप में क्या होता है? यह विखंडित हो जाता है। इसी में देखिए प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन को देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन कहता है जब
प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया जल के साथ कराई जाती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया जल के साथ कराई जाती है तब ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। कहता है जब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया जल के साथ कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। देखिए C6 इसके यहां C6 कीजिएगा, ओ कितना हो गया 12, यहां देखिए कितना है H 12 है, इसको 6 से कीजिएगा 6 दुना यहां कितना हो गया 12, ये 12 को ऑक्सीजन हो गया 6, 18 को ऑक्सीजन हो गया 6 है यहां ऑक्सीजन बचा 12 करने के लिए, इसको 6 से गुना कर दीजिए, इक्वेशन क्या हुआ बैलेंस हुआ। बैलेंस करने के लिए पूछा जाता है, आपको पीछे हम बैलेंस करने के लिए बताए थे। देखिए बैलेंस कर ले आप, यहाँ पर सी को देखिएगा, सी को बैलेंस यहाँ कर सकते थे ठीक है, और नेक्स्ट चीज को बैलेंस करना देख के कर सकते थे। अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या पूछा है, कहता है जब 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया 6 अणु किसके साथ, जल के साथ कराई जाती है तो इसका नाम क्या है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। देखिए पूछा गया था, कहता है क्वेश्चन पूछा गया था ग्लूकोज के, ग्लूकोज में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, ग्लूकोज में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं। तो यहां देखिए ऑप्शन में 8 था, तो अक्सर स्टूडेंट 8 टिक करता है, लेकिन ग्लूकोज में आपको दे दिया, ये नहीं कहता जो ऑक्सीजन के कितने होते हैं, ग्लूकोज में कितने परमाणु अणु होते हैं, तो ये कितना था 6O6 होता है, O6 होता है, ये चीज लिखिएगा। और ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये भी पूछा जाता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ग्लूकोज का क्या होता है C6H12O6, ग्लूकोज में इसके ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं 6, हाइड्रोजन के 12, कार्बन के 6, ये भी याद रखिएगा, ऑक्सीजन का पूछा गया था, ऑक्सीजन के कितने होते हैं 6, वैसे ऑक्सीजन के कितने होते हैं परमाणु संख्या 8, कितने होते हैं 8। हम आपको बताएं जब 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया 6 अणु जल के साथ कराई जाती है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है, यही क्रिया क्या कहलाती है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ये रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसकी उपस्थिति में होता है प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ये रिएक्शन प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। वैसे प्रकाश संश्लेषण की होती है, प्रकाश संश्लेषण सुई की उपस्थिति में वायुमंडल से जब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मिट्टी से खनिज लवण और जल लेते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। चलिए आज हम यही तक पढ़े, अब कल पढ़ेंगे, कल जब क्लास होगा नेक्स्ट क्लास में हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ी खत्म। इसके बाद आपको जो दिक्कत होगा आप कमेंट में क्वेश्चन कर दीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। बाय बाय।